हमारे भारत के इतिहास में कुछ ऐसे गद्दार हुए जिन्होंने भारत को अंग्रेजों और विदेशी ताकतों के गुलाम बना दिया। धोखा, विश्वासघात कुछ ऐसे शब्द हैं जो सबसे ताकतवर साम्राज्य को तबाह करने की ताकत रखता है। अगर कोई हमारा अपना हमारी कमजोरी और हमारे ताकत के बारे में बहुत अच्छे से जानता है, वही व्यक्ति अगर हमारे साथ धोखा कर दे तो ऐसे जंग को जीत पाना लगभग नामुमकिन होता है और इसी तरह ऐसे साम्राज्य को भी तबाह किया जा सकता है। ऐसा ही कुछ हमारे अखंड भारत के साथ भी हुआ। जरा सोच के देखिए हमारे ऐसे भारत के बारे में जो कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ होता, कभी मुगलों के सामने झुका ना होता, या आजादी के बाद कभी भारत का बंटवारा ना हुआ होता। अगर भारत के कुछ गद्दार अपनी मिट्टी से वफादारी दिखाते, शायद इन सभी चीजों को आज टाला जा सकता था। आज के इस वीडियो में मैं ऐसे 5 गद्दारों के नाम बताऊंगी जिनकी वजह से अखंड भारत को सोने की चिड़िया कहे जाने वाले हमारा भारत कई सालों तक मुगलों और अंग्रेजों का गुलाम रहा और इसी कारण लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और लाखों लोगों ने विदेशियों के अत्याचार सहे। एक समय में हमारा भारत इतना ताकतवर था दुनिया जीतने वाले सिकंदर को भी भारत से हार मानकर जाना पड़ा। सम्राट अशोक और उनके वंशजों के बाद भारत का समय धीरे धीरे बदलने लगा और नए भारतीय राजाओं को सत्ता की भूख की वजह से अंधा कर दिया। इसके बाद भारत में कई गद्दार हुए जिन्होंने अपने देश को बेचने में देरी नहीं की और हमारे पूरे भारत के लिए कलंक बन गए। नंबर 1, मीर जाफर। मीर जाफर 1757 से 1760 तक बंगाल का नवाब था, लेकिन उसे ये गद्दी उसकी मेहनत से नहीं बल्कि धोखे से मिली थी और हम कह सकते हैं उसने इस गद्दी के लिए पूरे देश की सत्ता को अंग्रेजों के हाथों बेच दी। शुरू में मीर जाफर राजउद्दौला का सेनापति था, लेकिन वो दिन रात एक ही सपना देखता था कि वो कब बंगाल का नवाब बने। इसलिए मौका मिलने पर उसने प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिलकर रणनीति बनाई। हाँ, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का नवाब बनने का लालच मीर जाफर को दिया। उसके बाद मीर जाफर ने अपने राजा के साथ धोखेबाजी करी, अंग्रेजों की सेना के साथ मिलकर उसने विद्रोह कर दिया। युद्ध जीतने के बाद उसे बंगाल का शासक तो बना दिया गया, कुछ समय शासन करने के बाद अंग्रेजों ने उसे भी नहीं छोड़ा और 1764 के बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने उसे मार डाला। नंबर 2, जयचंद। कन्नौज राज का राजा जयचंद राठौड़ राजवंश से आता था, जिनकी महान राजा पृथ्वीराज चौहान के साथ एक पुरानी दुश्मनी थी। दुश्मनी के कारण इन दोनों के राज्यों के बीच कई बार युद्ध हुए, लेकिन सभी युद्ध में लगभग पृथ्वीराज चौहान जीते। एक बार दोनों राज्यों में शांति स्थापित करने के लिए पृथ्वीराज चौहान ने उनकी बेटी संयोगिता से विवाह कर लिया। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने अपनी दुश्मनी तो भुला दी थी और जयचंद को अपने दाहिने हाथ की तरह मान लिया था, लेकिन जयचंद कभी भी पृथ्वीराज से अपनी दुश्मनी नहीं भुला सका और उसने बदला लेने की सोची और उसे ये मौका मिला भी, और ये मौका उसे मोहम्मद गोरी के रूप में मिला। जब उसने दिल्ली की सत्ता की लालच के कारण मोहम्मद गोरी का साथ दिया और अपने राज्य की सेना को पृथ्वीराज के खिलाफ खड़ा किया और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई, लेकिन गौरी ने युद्ध जीतने के बाद राजा जयचंद को मार डाला। राजा जयचंद की गद्दारी देखते हुए उसे भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा गद्दार कहा जाता है। राजा जयचंद के कारण ही गौरी ने पूरे अखंड भारत पर इस्लामिक शासन की शुरुआत की। इस गद्दारी को देखते हुए जयचंद के ऊपर एक मुहावरा भी है, जयचंद तूने देश को बर्बाद कर दिया, गैरों को लाकर हिंद को आबाद कर दिया। नंबर 3, मान सिंह। महाराणा प्रताप इस देश के सबसे महान राजाओं में से एक हैं। उन्हें हराना दुश्मनों के लिए लगभग नामुमकिन था। महाराणा प्रताप अखंड भारत में मुगलों के खिलाफ एक ऐसी दीवार बनकर खड़े रहे जो भारत में मुगल शासन को आने से रोक सकते थे, लेकिन अजमेर राज के राजा मान सिंह ने अपनी मिट्टी के लिए लड़ने के बजाय मुगलों का साथ दिया। मुगलों ने मान सिंह को अपनी सेना का प्रमुख बनाया हुआ था। मान सिंह की गद्दारी के कारण महाराणा प्रताप को समय समय पर जानलेवा हमलों का सामना करना पड़ा। इसके कारण महाराणा प्रताप को अपना समय जंगलों में भी गुजारना पड़ा। इस दौरान भी महाराणा प्रताप मुगलों को हराने के लिए रणनीति ही बनाते। इस दौरान उन्होंने काफी मुश्किल समय भी काटे, यहाँ तक कि उन्हें घास की रोटियां भी खानी पड़ी, लेकिन उनका जंगल में रहना किसी तपस्या की तरह साबित हुआ। जब वो जंगल से बाहर आए तो उन्होंने अपनी सेना इकट्ठा की और वो अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर थे। इसीलिए जब महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा गया तो महाराणा प्रताप ने अपने शौर्य के कारण मान सिंह को अपनी तलवार के दम पर हरा दिया, उसकी गद्दारी के लिए उसे मार दिया और इसी कारण अकबर को महाराणा प्रताप से छुपकर रहना पड़ा। नंबर 4, फणीन्द्रनाथ घोष। फणीन्द्रनाथ घोष को भी भारतीय गद्दारों में से एक कहा जाता है। वही गद्दार था जिसने भगत सिंह के खिलाफ असेंबली कांड में गवाही दी थी और इसी गद्दार के सरकारी गवाही के कारण ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह, राजगुरु और सुख
सुखदेव को अंग्रेजी सरकार ने फांसी की सजा सुनाई थी। इसके अलावा फणीन्द्रनाथ ने सरकारी गवाह बनकर पंडित आजाद की शव की पहचान की थी। कई बार ये बात भी सामने आया है, अंग्रेजों ने इसको कई बार अनेक स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ इस्तेमाल किया है और ना जाने किस लालच के कारण उसने अपने दोस्त और अपने देश के साथ गद्दारी की थी और यही गद्दारी उसके मौत की वजह भी बनी, क्योंकि जेल से भाग के भगत सिंह के साथी योगेंद्र शुक्ला और गुलाम चंद्र ने सन 1932 में फणीन्द्रनाथ की हत्या करवा दी। नंबर 5, कांग्रेस पार्टी। आजादी दिलाने में इनका एक अहम रोल रहा है और इसमें भी कोई इनकार नहीं करता कि इस कांग्रेस पार्टी के कई लीडर ने इतिहास में भारत को कई घाव दिए हैं। आप उन्हें गद्दार कहिए या फिर उन्हें लीडरों की अयोग्यता, ये तो आपके ऊपर है। लेकिन भारत को धर्म के नाम पर पाकिस्तान, भारत जैसे दो अलग अलग हिस्सों में बांट देना, इसके अलावा ही समय में सही समय पर कश्मीर में अपनी सेना भेजकर पाकिस्तान की सेना को पीछे न ढकेलना, यहाँ तक कि चाइना के हमला करने पर उन्हें तुरंत जवाब न देना, यह कांग्रेस लीडर या कहूँ हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कई गलतियाँ हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज भी भारत भुगत रहा है। वरना आप ही बताइए, किसी देश को उसके धर्म के आधार पर बांटना सही है? अगर आप सोचते हैं तो सोच कर देखिए, भारत में रहने वाले अलग अलग धर्म के लोग भारत के हिस्सों का बंटवारा करने पर आ जाएं, तो सोचो भारत के कितने हिस्से हो जाएंगे। आपको इस सवाल से आपका जवाब मिल जाएगा। आपको इस बारे में क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और बहुत शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।